बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं आपका मेजबान हनी मुअल्लिद हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूं हर किस्म की बंदिश को खत्म करने के लिए। वो मेरे बहन और भाई जिनके साथ ये मसाइल रहते हैं कि जो उनके ऊपर कोई या किसी चीज की बंदिश लगी रहती है, या वो परेशान हाल हैं क्योंकि उनके ऊपर बंदिशों ने डेरे डाले हुए हैं, हर हर चीज पर, हर हर जगह पर, हर हर काम पे ऊपर उनके बंदिश लगी हुई है। तो उस बंदिश को वो खत्म करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक बंदिश खत्म होती है तो 10 किस्म की बंदिशें लग जाती हैं। तो उसके लिए वो मेरे बहनों और भाइयों के लिए आज खास अमल लेकर हाजिर हुआ, इसको करें इंशाल्लाह ताला, इसकी बरकत से चंद ही दिनों में आपकी बंदिशें और रुकावटें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर बंदिशें लगती रहती हैं और आप हमेशा परेशान रहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी तशखीस कर लें, आपके साथ जादू जिन्नात का मामला तो नहीं है। अगर जादू जिन्नात का मसला है तो उसके लिए आप अपने किसी एतमाद वाले रूहानी मालिक से इसका इलाज फौरन करवाएं, क्योंकि इलाज के बगैर आपका मसला हल नहीं होने वाला। अगर आपको चेक नहीं करना था, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का तरीका मंगवा लें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोज देखे उसके मुताबिक आप अपनी तशखीस करें। तशखीस में अगर जादू जिन्नात का मसला आ रहा है तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले रूहानी मालिक से इसका इलाज जरूर करवाइए। अगर आप अपना या अपने अहले खाना का फी सबीलिल्लाह बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना रूहानी इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर फोन करके बरोज इतवार लाहौर डिफेंस में वक्त लेके तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह ताला आपका बिल्कुल इलाज फी सबीलिल्लाह किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोगों को फायदा है, आपको भी यकीनन होगा, आप तशरीफ लाएं और एतमाद के साथ आएं। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहे, वो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें, इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपके रिजल्ट के ऊपर बंदिश है, आपकी शादी पर बंदिश है, औलाद पर बंदिश है, तालीम पर बंदिश है, सफर पर बंदिश है, कारोबार पर बंदिश है, रोजी रोटी पर बंदिश है, दिहाड़ी लगने पर बंदिश है, काम आने पर बंदिश है, पैसे आने पर बंदिश है, आपकी दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर बंदिश है, तो आपने ये जो अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा इसको आपने चंद मरतबा चंद दिन तक आपने करना है इंशाल्लाह ताला, इससे आपकी बंदिशें और रुकावटें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने रोजाना फजर की नमाज के बाद, अगर फजर की नमाज के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा ज्यादा होगा, अगर फजर के बाद नहीं कर सकते तो आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। नमाज का वक्त आपने मुकर्रर रखना है, जिस दिन आप पहले दिन शुरू करें उसकी फिर आपने पाबंदी रखनी है, कम से कम जो है वो 40 दिन तक इस अमल को जरूर करें। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 60 मरतबा सूरतुत्तीन, सूरतीन आपने 30वें पारे की सूरत है, सूरतीन उसको आपने 60 मरतबा पढ़ के पानी दम करके अपने घर में छींटे लगाने हैं, अपने कारोबारी जगह पर छींटे लगाने हैं और खुद भी आपने पानी पीना है। और साथ ही आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह मैंने आपका कलाम पढ़ा, कुरान पढ़ा, इसकी तिलावत की, इसकी बरकत से मेरी ये बंदिश है इसको खत्म फरमा दे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले ही हफ्ते में इसके आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और इसमें इंशाल्लाह ताला ऐसे अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके लिए आपने इस अमल को करते रहना है और इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसके लिए वो साथी, अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।